Dear students, we are talking about the grammar chapters like noun, pronoun, adjective, voice, narration, adjective, preposition, article, etc. etc. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश की ग्रामर समझ नहीं आती, एंटोनियम सनोनियम समझ नहीं आती, क्या सर इनका कोई तरीका होता है? तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ संभव है, वे ऑफ टीचिंग शुड बी वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको इस छोटे से टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, वी नाउन। नाउन होता क्या है? ये नाउन अगर हम किसी पर्सन को देखते हैं, किसी थिंग को देखते हैं या किसी प्लेस को देखते हैं, यानी किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी वस्तु या स्थान को देखते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, किसी वस्तु का नाम ले लेते हैं या किसी स्थान का नाम ले लेते हैं, तो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, वही तो संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ एनी पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम नाउन यानी कि संज्ञा बोलते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है, हमने कहा बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे का कोई तो नाम होता है। लड़का आ रहा है, लड़के का कोई तो नाम होता है। मेहमान आ गया, मेहमान का कोई तो नाम होता है। बच्चे का नाम ले लो, मेहमान का नाम ले लो, यानी कि आई मीन टू से किसी व्यक्ति का नाम ले लो, वस्तु का नाम ले लो, स्थान का नाम ले लीजिए। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले लेंगे, वो नाम तो वही तो संज्ञा होती है, उसी को तो नाउन बोलते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिपीट डेफिनेशन ऑफ नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन। आई वॉन्ट टू से इन हिंदी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन। सबसे पहले हम इन दोनों नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होता क्या है? देखिए नंबर एक, एक ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकेंड ये होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी के अंदर बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसको हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन, व्हाट्स द डिफरेंस? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में फर्क क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले लेंगे, किसी बच्चे का, बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे का नाम ले लेंगे, सोनू है, मोनू है, संटी है, बंटी है, जो भी है। अगर किसी बच्चे का नाम ले लेंगे, बच्चे का नाम अगर हमने मान ले लीजिए सोनू, सोनू हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, बच्चा हमारा किस चीज़ में आ गया? कॉमन नाउन के अंदर। कोई भी जैसे मेहमान आ गया, मेहमान, मेहमान का कोई तो नाम होता है, मेहमान का नाम ले लीजिए, धोलू है, कालू है, पीलू है, जो भी नाम ले लीजिए। अगर उस मेहमान का नाम ले लेते हैं तो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अगर मान लीजिए मेहमान का नाम है राम, श्याम, जो भी है, ये राम श्याम हमारा प्रॉपर में आता है और मेहमान हमारा कॉमन के अंदर आता है। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे मम्मी, डैडी, पापा, नानी, नाना, दादा, दादी, जो भी ये वर्ड है, सारे के सारे कॉमन के अंदर आ जाएंगे। अगर नाना, नानी, दादा, दादी, पापा, मम्मी, अगर इनका अगर हम नाम ले लेते हैं, नाम के अकॉर्डिंग उनको पुकारते हैं, तो हमारा प्रॉपर नाउन लाइक राम हैज कम, राम हैज कम। तो हमने ये नाम लिखा है, नाम हमने लिखा है, नाम हमने लिखा है, ये नाम हमारा किस चीज में आ गया? प्रॉपर नाउन के अंदर। कॉमन के अंदर जैसे बॉय है, गर्ल है, चाइल्ड है, जैसे बेबी है, ये वर्ड जितने भी हैं। अब बॉय हमारा कॉमन के अंदर आ गया, अगर इस बॉय का नाम ले लेते हैं, अगर हम इसके अंदर राम नाम शब्द दे दिया, राम हमारा प्रॉपर के अंदर, बॉय हमारा कॉमन के अंदर,
कोई भी व्यक्ति अगर हम मान लीजिए, इसका सेकंड ऑप्शन बताता हूँ, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी इसमें अगर दिक्कत आती है प्रॉपर और कॉमन नाउन के अंदर फर्क महसूस करना है, आप देख लीजिए। आप किसी भी चीज़ की तरफ संकेत कीजिए, इशारा कीजिए, जैसे मान लो मैंने संकेत कर दिया, किसी भी बच्चे की तरफ संकेत कर दिया, ये बच्चा हमारा कॉमन हो गया, जिस चीज़ की तरफ हमने संकेत किया वो हमारा कॉमन हो गया। अब उस बच्चे का अगर मैं नाम बता देता हूँ, बच्चे का नाम मान लीजिए राम है, श्याम है, जो भी उसका नाम है, अगर वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। तो हमने दो चीज़ें आपको बताना चाहिए, दोनों, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया प्रॉपर के बारे में, सेकंड हमने आपको बताया कॉमन के बारे में। तो प्रॉपर और कॉमन दोनों में फ़र्क आपको पता चल गया होगा। किसी चीज़ का नाम ले लेंगे प्रॉपर, और उसको अगर हम जाति के अनुसार, जिसको हिंदी में हम अनुवाद करना चाहूँगा, अगर जाति के अनुसार उसको हम संबोधित करते हैं, जाति का बोध कराते हैं, वो हमारा कॉमन के अंदर आता है। जैसे बॉय है, गर्ल है, चाइल्ड है, मान लीजिए एक मैंने वर्ड लिख दिया रोबर, रोबर होता है लुटेरा। ये लुटेरा होता क्या है? अब लुटेरा किसी का नाम थोड़ी होता है। अब ये लुटेरे का नाम ले लो, इसका नाम कालू है, एक धोलू है, एक पीलू है, जो भी, अगर इसका हमने नाम ले लिया लुटेरे का, मान लीजिए सपोज इसका नाम हमारा अगर कालू धोलू, जो भी नाम हमने ले लिया, ये नाम हमारा प्रॉपर के अंदर आता है और ये हमारा कॉमन के अंदर आता है, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, हमने उसको जाति के अनुसार, जाति का बोध कराया इसने, ये हमने इसका नेम, प्लेस और थिंग, इसमें बोध होता है प्रॉपर के अंदर, और कॉमन के अंदर ही हमारा जाति का बोध होता है, इसके अंदर नेम्स नहीं आते। तो आफ्टर दिस, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इसका थर्ड टाइप, तीसरे प्रकार की संज्ञा कौन सी होती है। थर्ड ऑप्शन, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसको हम हिंदी के अंदर बोलेंगे समूहवाचक। ये समूहवाचक होता क्या है? नेम ऑफ एनी ग्रुप, किसी का समूह ले लीजिए, किसी का ग्रुप ले लीजिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी हमारे ग्रुप के अंदर आते हैं, समूह के अंदर आते हैं, यानी समूह का बोध कराते हैं। अब समूह का बोध कौन कराते हैं? अब मान लीजिए ये क्लास है, अब क्लास किस एक को नहीं बोलते, मान लीजिए आर्मी है, क्या आर्मी हम एक को संबोधित करते हैं? नहीं। अब मान लीजिए बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं, जैसे टीम, अब टीम एक को नहीं बोलती, ये खिलाड़ियों का होता है। अब मान लीजिए ग्रुप है, अब ग्रुप है, ये क्या होता है? सब स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, छात्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं छात्रों के समूह को, स्टूडेंट्स के समूह को हम ग्रुप के अंदर इसमें करते हैं, ऐड करते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। किसी एक को संबोधित इसमें नहीं किया जाता। मान लीजिए ही वॉज इन माई क्लास, अब ये क्लास के अंदर हमने अंडरलाइन कर दिए, हमारे पास ऑप्शन लिख दिए गए हैं ए बी सी ओ डी, अब ए के अंदर हमने लिख दिया प्रॉपर नाउन और दूसरे के अंदर हमने लिख दिया कॉमन नाउन, तीसरे के अंदर मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन और चौथे के अंदर मैंने लिख दिया मान लीजिए नन ऑफ दीज। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। आपने क्लर्क के एग्जाम देखे होंगे, पीछे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे होंगे, इसमें दो तरह के ऑप्शन आते हैं, एक तो ये हो गया हमारा ऑप्शनल, एक आता है एरर के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको ऑप्शनल बताना चाहूँगा, उसके बाद एरर के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अंडरलाइन ये बताइए कि इनमें से ये जो क्लास जो वर्ड लिखा गया है, क्लास क्या ये प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, क्या ये कॉमन नाउन के अंदर आता है, क्या ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। अब देखिए, क्लास किसी का नाम नहीं है, जाति का बोध नहीं है, ये कलेक्टिव के अंदर आता है, क्योंकि इस क्लास के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट से मिलके ही क्लास बनती है, इसलिए हमारा ये सी के अंदर दिया गया है, तो हम इसके अंदर सी के अंदर फिलअप कर देंगे, इसका राइट आंसर है। अब मान लीजिए ये बहुत सारे मैंने चीजें इसके अंदर दी है, कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर टू में दे देता हूं कि श्याम हैज गॉन इन हिज टीम।
अब मैंने ये वर्ड जो लिखा है, ये जो टीम वर्ड जो मैंने दिया है, टीम वर्ड दिया है, एक मैंने श्याम वर्ड दिया है। टीम और श्याम ये होता क्या है? अब श्याम को तो अगर हम करेंगे तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा, अगर टीम के अंदर करेंगे तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि श्याम जो है किसी के नाम को रिप्रेजेंट करता है और टीम जो है किसी ग्रुप को करता है। तो हमने तीन प्रकार के आपको थ्री टाइप्स बता दिए, एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर फोर जिसको हम बोलेंगे, जिसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको हम द्रव्यवाचक बोलते हैं, मटेरियल क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारे, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं चाहे अनपढ़ व्यक्ति हैं, बहुत सारे आपने व्यक्तियों को, अनपढ़ व्यक्तियों के मुंह से सुना होगा कि मटेरियल बढ़िया नहीं है। आपने सीमेंट, बजरी, क्रेशर जो भी मटेरियल लोग भेजते हैं, वहाँ उनकी दुकानों के आगे बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पर हिंदी में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि यहाँ पर अच्छा मटेरियल तैयार किया जाता है, अच्छा मटेरियल मिलता है। अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है कि भैया मटेरियल पड़ा है क्या? तो मटेरियल किस में आता है? पदार्थ के अंदर। अब कौन कौन सी चीजें हैं? धातुएं भी इसके अंदर आ जाती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन। अब ये वुड के अंदर भी इसमें, जो भी हमारे सारे जो ये हैं धातुएं हैं, ये पदार्थ हैं। मान लीजिए ही हैज हिज आयरन बैट। अभी आयरन के नीचे अंडरलाइन मैंने दी है, ये आयरन के अंदर ए बी सी ओ डी चार मैंने ऑप्शन दे दिए, इसके अंदर मैंने दिया है क्या ये हमारा प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या ये और मटेरियल नाउन है। अब इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन फिर मैंने दोबारा देने की कोशिश की है। अब हम इसमें बताएंगे कि ये जो वर्ड दिया गया है, आयरन वर्ड जो दिया गया है, ये हमारा कौन सा नाउन में आता है। आयरन, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीएन का मतलब प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम नहीं है। अब कॉमन नाउन बिल्कुल नहीं है, ये किसी मेटल है, कोई धातु है। अब मान लो आयरन मटेरियल में आता है, तो हमारा ये इसके अंदर डी ऑप्शन हम भर देंगे। एंड लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी के अंदर बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए, पहले मैं इंग्लिश में बताना चाहूंगा कि एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन फील, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, ओनली केवल हम महसूस कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में बताएंगे सबसे पहले, जैसे खुशी और गम हमने दे सुना तो है बहुत सारी, लेकिन खुशी और गम हमने ये नहीं देखा रहती कहाँ है। जैसे अमीरी गरीबी हो गया, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिख रहा हूं सैंपति, सैंपति यानी कि जिसको हम हिंदी के अंदर बोलेंगे जी हम सहानुभूति। अब ये सहानुभूति, जैसे दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं ह्यूमिनिटी, जिसको हम बोलेंगे मानवता। अब ये सहानुभूति मानवता सबको पता है कोई होता है कोई चीज, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। किसी भी बंदे को आप कहिए कि आपके अंदर बड़ी सहानुभूति है, बड़ी मानवता है, तो मानवता तो है, मानवता भैया हरे रंग की है, पीले रंग की है, काले रंग की है, कौन से रंग की है मानवता? होती तो है, जैसे मान लीजिए अमीरी गरीबी होती तो है, लेकिन हमने ये नहीं देखा अमीरी 2 फुट की होती है, 4 फुट की होती है, होती है। ये सारे के सारे जो चीज हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। ऐसे ये तो दो वर्ड मैंने बताए हैं, बहुत सारे
सैकड़ों वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। ऐसी कोई भी चीज जैसे खुशी है, गम है, अमीरी है, गरीबी है और ये उदासी है, ये सारे के सारे वर्ड जो है अपटेक नाउन में आते हैं। एक बार फिर दोबारा हिंदी में बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसे वर्ड सुन लीजिए, ऐसी कोई भी चीज धरती के ऊपर जिसको आप कभी देख नहीं सकते, जिसको कभी छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारा अपटेक नाउन होता है। इंग्लिश में फिर दोबारा बताना चाहूंगा, एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड अपटेक नाउन। तो ये नाउन के बारे में मैंने 5 जो आपको टाइप्स बताने की कोशिश की। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नाउन की डिटेल में क्यों नहीं बताया गया, नाउन की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, जेंडर के अंदर जेंडर भी बताए जाते हैं और भी बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका बिल्कुल इसको खुल के पूरे विस्तारपूर्वक भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो वर्ड्स आपको बताए गए हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा, टीचर यहां पर जो भी करवाता है, टीचर किस वे से कराता है, अकॉर्डिंगली मेरे अनुसार ये रोल अदा नहीं करता। सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे कमजोर नहीं होते। कमजोर खास तौर पर जो कमजोर स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में डर लगता है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग के अंदर आप कौन सा तरीका चाहते हैं। आपको वो तरीका, आपको बिना टीचर से पूछे, अगर वो तरीका आपको यूट्यूब के द्वारा या किसी लेक्चर के अंदर, आप अकेडमी में बैठे उसके अंदर आपको यूं महसूस हो कि ये तो मैं पूछना चाहता था और बिना पूछे ही मेरे दिमाग में ये तो सर ने डाल दिया, तो मैं मानता हूं कि वो लेक्चर है और वो क्लास है। फिर भी अगर वो आपको तरीका नहीं मिलता तो स्टूडेंट्स का भी फर्ज बनता है कि उठिए और पूछिए कि मुझे इस वे से बताइए, इस लैंग्वेज में बताइए। सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम नहीं समझते, सारे हिंदी मीडियम के भी नहीं होते, सारे मिक्स होते हैं। तो मैंने मिक्स बताने की ये कोशिश की है, पूरा प्रॉपर मैंने इंग्लिश के अंदर भी नहीं बोला, प्रॉपर हिंदी के अंदर भी नहीं बोला, तो मैंने ये चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द चैप्टर ऑफ नाउन। तो नाउन मैंने क्या बोला, नेम ऑफ एनी पर्सन थिंग और प्लेस इज कॉल्ड नाउन, हिंदी में बताएंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। हमने 5 प्रकार की बताई है संज्ञा, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों का जिक्र किया, प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर कॉमन दोनों में डिफरेंस मैंने किया, जिस चीज की तरफ हम देखेंगे इशारा करेंगे वो हमारा कॉमन हो गया। और कॉमन के अंदर, कॉमन में जो मान लीजिए हमने बच्चा देखा, हमने कोई भी मतलब व्यक्ति देखा, कोई वस्तु देखी या कुछ स्थान देखा। मान लो मैं मेरे गांव जा रहा हूं, चलते चलते गांव आ गया, गांव आ गया, गांव तो आ गया, गांव हमारा कॉमन के अंदर आ गया। गांव का अगर मैं नाम ले लेता हूं, गांव का नाम मैंने ले लिया, मेरे गांव का नाम ले लिया गंगवा। अब ये गंगवा जो गांव मेरा है, ये हमारा नाम मैंने लिया या मेरा नाम लिया या किसी टीचर का नाम लिया, किसी स्टूडेंट का लिया, मम्मी पापा का लिया, नाना नानी दादा दादी, किसी का नाम ले लेता हूं एग्जैक्ट, तो हमारा प्रॉपर के अंदर आता है। और अगर उसको हम जाति के अनुसार, जाति का बोध कराता हूं, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे, एक बच्चा खेल रहा है, मैंने बार बार यही बताया आपको, या कोई बच्चा खेल रहा है, बच्चा है ये मोनू सोनू खेल रहा है, तो ये बच्चा हमारा कॉमन के अंदर आ जाएगा और बच्चे का नाम सोनू मोनू मैंने जो बोला प्रॉपर के अंदर। जैसे हम मान लीजिए बस में चढ़ते हैं, बस के अंदर ही मैं बताता हूं आपको, बस के अंदर बैठ गए, मान लीजिए बस में सीट पे बैठे, सीट पे बैठे बैठे हमने ड्राइवर की तरफ उंगली कर दी, किस चीज की तरफ करी, ड्राइवर की तरफ, तो ड्राइवर हमारा क्या हो गया, कॉमन इंग्लिश की तरफ की। फिर उस ड्राइवर का नाम बताएंगे, नाम पूछेंगे, ड्राइवर का नाम रामू है कि श्यामू है, राम है कि श्याम है, उस ड्राइवर का नाम राम श्याम हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। अब जैसे मान लीजिए जिस कुर्सी पे बैठे हैं बस में, वो स्टील की है, बस लोहे की है, तो स्टील की है, लोहे की है, ये जो मटेरियल है, जितनी धातुएं हैं, पदार्थ हैं, धातुएं जितनी, देखो स्टील है या लोहे की है, वो हमारे मटेरियल के अंदर। फिर तीसरा बस के अंदर ही बताता हूं, मान लीजिए बस के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो भीड़ हमारा किस चीज में आ जाता है, कलेक्टिव के अंदर, यानी कि समूह के अंदर आ गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि बस के अंदर तो बड़ी गर्मी है, बड़ी ठंड है, अब गर्मी है, गर्मी और ठंड होती तो है, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते गर्मी और ठंड को। तो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट अपटेक नाउन कि एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच, ओनली वी कैन फील, दैट इज कॉल्ड अपटेक नाउन। भाववाचक संज्ञा वही होती है। तो ये मैंने 5 चीजें आपको बताने की कोशिश की और जिस चैप्टर का नाम हमारा नाउन था। अब कुछ ये कहते हैं कि हमें नाउन और प्रनाउन में अंतर महसूस करने में बड़ी दिक्कत आती है। अब दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये, अब आपने ये नाउन के बारे में सीखा और एक ये हो गया प्रनाउन,
इसको हमने हिंदी के अंदर बोला था संज्ञा, और इसको हम हिंदी के अंदर बताएंगे सर्वनाम। जो हम देखिए ये वर्ड्स वही हैं, चोला इनको अलग पहना दिया गया। जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते थे, हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, वो हिंदी में पढ़ते थे संज्ञा सर्वनाम कारक विशेषण, ये चीज वही है। वो हिंदी में थे, ये इंग्लिश में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एक्सेट्रा। तो ये इनमें फर्क क्या होता है? फर्क ये, नाम ले लेंगे तो नाउन के अंदर आ जाएगा। नाम के अकॉर्डिंग कोई कह दो कि भैया कि वह आ रहा है, अब यह वह वर्ड को मैंने ही, अब वह का नाम तो नहीं लिया। अगर वह का नाम मान लीजिए मैंने राम लिख दिया, वह को मैंने नाम, देखिए वह शब्द हमारा ये प्रनाउन के अंदर आ गया। यानी कि प्रनाउन, यानी कि इसको हम, प्रनाउन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रनाउन। अब ये राम जो वर्ड है ये नाउन के अंदर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपर नाउन। ये मैंने बताने की कोशिश की है कि ये नाउन और प्रनाउन में फर्क क्या है। जैसे मान लीजिए ये दो वर्ड मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे मान लीजिए ये ही हो गया, सी हो गया। अब मान लो जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी है, मान लो ये आपके घर पे कोई पानी की मोटर है, सिलाई की मशीन है, या कोई भी चीज है। अब पानी की मोटर चलते चलते बंद हो गई, अगर हम उसको कहते कि यह नहीं चल रही है, अब यह कौन है? अगर इस यह का नाम तो ले लेता हूं तो हमारा नाउन के अंदर आ जाएगा, और यह शब्द हमारा प्रनाउन के अंदर आ जाएगा। तो मैंने ये नाउन और प्रनाउन में आपको फर्क बताने की भी कोशिश की है। तो इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जैसे आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं। आर्मी क्लर्क के अंदर काफी साल से मैं आर्मी क्लर्क की तैयारी करवाता हूं, तो आर्मी क्लर्क में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें से 40 नंबर के पैसे जाते हैं और 60 की अलग आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत कम आती हैं, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव कम आते हैं, वोकैब ज़्यादा आती हैं। देखिए नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव आर्टिकल प्रीपोजिशन कम आए या ज़्यादा नंबर किया, ये करनी तो जरूरी होती है इनमें से, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है। जैसे वोकैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स आते हैं, अब वोकैब का कई स्टूडेंट्स का एक मेजर क्वेश्चन आता है वोकैब के अंदर कि सर इनका याद कैसे करें, इनका कोई तरीका होता है क्या? देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो इनके वर्ड्स भी होते हैं, तरीके, इनके जो मेन जो डेली यूजेज के वर्ड हैं या जो मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, वो भी हमने अलग से वर्ड्स तैयार किए हुए हैं। एक अलग लेक्चर के अंदर वोकैब का लेक्चर देंगे आपको, और उस वो के अंदर वो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपने वो देखने के बाद वो जो वर्ड्स बताए जाएंगे उनको हिंट, जो उनका जो तरीका है वो देखिए, वो तरीका आपको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर काम आता है। जैसे मान लीजिए हमने ये प्रनाउन का अभी हमने जिक्र किया, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं सर्वनाम। ये होता क्या है, ये इसका पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अब इसके अंदर पर्सनल, अब ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, देखिए ये इसको भी हम व्यक्तिवाचक बोलते हैं। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है, देखिए कभी आपने ये वर्ड बिल्कुल सुना होगा, यहां तक देखिए पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, और ये जो पर्सनल होता है आपने अनपढ़ व्यक्ति को सुना होगा, भैया दूर हट जाओ हमारी पर्सनल बात है। ये पर्सनल होता क्या है, व्यक्तिवाचक यानी निजी। अब पर्सनल में ऐसे कौन से वर्ड, इसमें नाम नहीं लिखेंगे पर्सनल में, देखिए आई वी यू दे ही सी और इट। देखिए आई से लेके और यहां तक सी तक, ये सारे के सारे किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, और इट जो हमारा है किसी भी, मान लो जीव जंतु पशु पक्षी, मान लीजिए गाय, काऊ जो है गाय। अब ये काऊ जो है गाय दूध देती है, गाय की जगह अगर मैं नाम गाय का ना लिखूं तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, इट हैज फोर लेग्स, इट हैज फोर टीथ्स, इट इट्स ग्रास। तो ये गाय के लिए मैंने लिखा है, यानी कि ये व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम पर। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा, पहले हिंदी में सुनिए। जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में सुनिए,
ए वर्ड वी यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे कौन से वर्ड हैं? अब मान लीजिए किसी को बच्चे को कह दूं सोनू तुम नहीं मान रहे हो, सोनू अगर नाम ना लो तो मैं क्या बोलूंगा कि यू आर वेरी नोटी। अब यू किसके लिए बोला? सोनू इज वेरी नोटी। सोनू किसके लिए? सोनू ना लिखा तो मैंने क्या लिखा? यू। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यानी कि आर प्लेइंग, यानी कि चिल्ड्रन अगर मैं ना लिखूं तो क्या लिखूंगा? चिल्ड्रन हो गए, प्लूरल में आते यानी दे लिखेंगे। अब देखिए मेहमान गा रहा है, अब मेहमान गा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, मेहमान सो रहा है, मेहमान ना लिखूं तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? ही लिखूंगा। सीता गा रही है, सीता की जगह मैं क्या लिखूंगा? सी। यानी ये जो वर्ड है सारे के सारे, जैसे मान लीजिए यू आर ए बॉय, अब यू के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, यू हमारा किस चीज में आता है? ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। अब मान लो कोई ये सारे वर्ड बताता हूं, आर किस में आता है? ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है। ए किस में आता है? ए एन द, ये आर्टिकल के अंदर आता है। और ये बॉय किसके अंदर आता है? ये कॉमन नाउन के अंदर आता है। ये कॉमन नाउन के अंदर आता है, ये हमारा आर्टिकल में एन द यूज करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तरफ यूज किया जा रहा है इसको पर्सनल प्रोनाउन की तरफ से। अगर इस बॉय का नाम लिख दूं मैं, राम श्याम जो भी लिख दूं, ये प्रोपर नाउन के अंदर आ जाएगा। ये सारे वर्ड मैंने खुल के आपको बताने की कोशिश की है।